एक भूल से गणपति को पोछो, गणपति को पोछो अपने स्थान पे लगाओ, चलो आसन पे बैठा दो और दोनों सुपारी को उठा लो और सुपारी को उठा के भी उसी स्थान के ऊपर बैठाओ। ओम ऋतु वक्रतुल्य महाकाय सौर कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारे धर्मकारीषु सर्वदा अर्थकारीषु सर्वदा। ओम गम गणेशाय नमः। भगवान को एक टीका कीजिए, लाल कुमकुम का टीका या तो चंदन का टीका कीजिए। ओम श्रीकंदनम चंदनम दिव्याम गंडाद्यम सुमनोहरा विलेपना सुरा श्रेष्ठ चंदनम प्रतिग्रहीयता। गणपति को भी ध्यान दीजिए, दोनों सुपारी को टीका कीजिए, झूना वाला पानी में हाथ मत डालिए। चलो ओम ऋतुपति से जम महागणाधिपति नमः। चलो एक कुमकुम का टीका करके अपने सर के ऊपर भी लगा दो। ओम ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशना आपदां हरते नित्या लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। भगवान को एक वस्त्र दान कराओ। ओम ऋतुपति से जम महागणाधिपति नमः। लाल धागा लो, लाल धागा लो, लाल धागा, और लाल धागा को तोड़ो और उंगलियों पे ऐसा घुमाओ, ऐसे राउंड करना है, ऐसे राउंड करके हाथ में ऐसा उंगलियों पे घुमाओ, राउंड करके उंगलियों पे घुमाओ। और भगवान गणपति को पहनाना है, और भगवान गणपति को पहनाओ। ऐसा चलो पहनाइए, ऐसा करके और वो धागा गणपति को पहना दो। ओम ऋतुपति से जम महागणाधिपति नमः। भगवान को लोक लज्जा निवारण अर्थे वस्त्रम समर्पयामि वेद युक्तम तम आयुक्ते यज्ञ सांकल्पितम सर्व वर्णपति दीपम वार्तिपति उच्यताम। ओम लोक लज्जा निवारण अर्थे वस्त्रम समर्पयामि महागणाधिपते नमः। एक ही एक ही बाबा, एक ले दो नहीं, हाँ एक लो, टीका लगाओ हल्दी का, टीका लगाओ। ओम हल्दी का टीका लगाइए जनेऊ के ऊपर। गायत्री मंत्र बोलो, चलो गायत्री मंत्र। जनेऊ क्यों पहनते हैं? क्योंकि गायत्री माता वेदों की, सुनो गायत्री माता किसकी है? वेदों की, चार वेदों की माता है। इसीलिए वेदों का ज्ञान भगवानों को तो था ही, तो भगवान के लिए एक वेद में गायत्री मंत्र बोल दीजिए। चलो बोलो सभी लोग। ओम भूर्भुवस्व किया। पानी पिया,
क्या किया हाँ वो बार बार पांच दिन आएंगे नहीं तो हो गया कबाड़ा समझ में आ रही है वो पहले ना लिया बहुत हो गया तो हमें पानी पिया उन्होंने बीच में चलो अब भगवान को हम अभी कंकु गुलाल हल्दी चंदन जाएंगे ओम अभिलंजम गुलाल चंदन में बजा नाना विविध प्रकारेण पूजताम गणनायकः ऋद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये सकल भोग द्रव्याणि समर्पयामि ऐरिव भोगैः प्रजयति बाहुञ्जायामि परिपादमानः चलो भाई अभी तुमको गुलाल हल्दी चंदन चढ़ाने के बाद भगवान को भू चढ़ाइए ओम महिलाग्री श्री प्रभु मयारतान पुष्पाणि पूजा धम प्रतिगृहीयताम्गणाधिपतये पुष्पम समर्पयामि दुर्वांकुरा बेलपत्राणि समर्पयामि चलो भगवान को थोड़ा दुर्वा चढ़ा दीजिए दुर्वा है तो ठीक है वरना फूल चढ़ा दीजिए बेल बेल चढ़ा दीजिए फूल चढ़ा चढ़ाओ है ना बेल पत्र है बेल पत्र समर्पयामि काशी वासी निवासी नाम काल भैरव पूजना कोटि कन्या महादानम एक बिलवाम गणेशार्पणम भगवान को अगरबत्ती दिखाई अगरबत्ती दिखाई ओम बृहस्पति रसोद्भूतम गंडा द्यो गंडोत्तम अग्रे आ सर्वदेवानाम धोपोय ओम धारस धर्वाम धर्पतिताम धर्पय वयाम धर्वाम देवानाम शिवन्दितावग सबसरितावाम बबरितावाम जिष्ठादावा देवाम भगवान को दीपक दिखाए दीपक दिखाओ ओम चंद्रमा मन सिद्धिबुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपतये धूपम दीपम दर्शयामि चलो भगवान को धूप दीप दिखाने के बाद एक चम्मच से अपना हाथ धो डालिए हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धो डालने के बाद भगवान को अभी खिलाना है तो एक फला हार ले लीजिए आपके पाठ के ऊपर एक फला हार ले लीजिए फल लेने के बाद उसके ऊपर भी थोड़ा पानी छोड़ दीजिए क्योंकि हम भी फल धोके खाते हैं तो भगवान को भी हम धोके खाना खिलाएंगे तो भगवान बोलेंगे आयुष्य फल खाता है तो धोके खाता है कि ऐसे ही खाता है पीयूष आयुष धोके खाता है कि ऐसे ही फल खा जाता है धोता है तो भगवान को भी धोके खिलाना है तो भगवान दो दो चार धोखा देंगे समझ में आ रही है भगवान बोले खुद धोके खाता है मुझे ऐसे ही खिलाता है नहीं चलेगा चलेगा तो चलो भगवान को धोके पाना खिलाएंगे चलो शुक्रार झंडे का ज्ञानी नदी के विदान से आरंभ जब परिवेय काम इदम बलम मया देव स्थापितम व्रतस्तवा तेन मे सबला भावते भवे जन्म कल्याणी प्रेम से खिला रहे और भगवान चपाती खा रहे मस्त आनंद से खा रहे वैसा समझते हुए एक लेफ्ट हाथ अपने मुंह के सामने रखो और राइट हाथ से भगवान हमारे सामने ही है हमारे सामने अदृश्य रूप में दिख रहे यहाँ दिख रहे वो वहाँ भी है यहाँ भी है वो अदृश्य रूप में जो उनको खिला रहे और भगवान खा रहे ऐसी पांच वक्त खिलाओ ओम प्राणाय भगवान को मध्य
रुपए एक चम्मच पानी पिलाओ मध्य आचमने में तुम्हारे आमी भगवान को मध्य में एक चम्मच पानी पिलाओ हाँ चलो निकाल के थाली में छोड़ दो फिर से पांच मिनट भगवान को खाना खिलाओ ओम ब्राह्मणाय नमः ओम अपानाय नमः ओम व्यानाय नमः ओम उदानाय नमः ओम समानाय नमः ओम रिद्धि सिद्धि सिद्ध महागणाय भैरव भोजिताम 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 आज मन करो भगवान खा रहे हैं सोचो ओम शांति 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 हमारा दिया हुआ फल भगवान ने प्रेम से खा लिया अब हम भगवान को फिर से एक चम्मच से हाथ बुलाएंगे पैर बुलाएंगे मुंह बुलाएंगे पानी पिलाएंगे तो एक एक चम्मच दिखा के थाली में छोड़ो ओम उत्तरा पोषण समर्पयामि ओम भस्म प्रक्षालन समर्पयामि ओम मूक प्रक्षालन समर्पयामि आचमनम समर्पयामि भगवान को हमने क्या किया हाथ पैर दिलाया मुंह दिलाया और पानी पिलाया अब भगवान को जैसे हमारे घर कुछ मेहमान आते हैं तो हम खाना खाने के बाद क्या करते हैं हम उनको कभी सुपारी देते हैं कभी लवंग देते हैं कभी इलायची देते हैं कभी पान खिलाते हैं तो भगवान को भी हम सुपारी या पान खिलाएंगे बरोबर चलो एक पान ले लो और पान का बीड़ा बना के दो कैसा बनाओ देखे ऐसा ऊंचा हाथ कर यानी सब लोग देखिए हाँ इस तरह का बनाओ पान का बीड़ा ये देख लो सभी लोग अपने हिसाब से बनाओ जो भी है हाँ अपने हिसाब से बनाइए आप बरोबर पान जरूर खाना है वैजयंती हाँ ऐसा फोल्ड करके पान बनाओ ओम पुंगी ब्रह्मा दीप्यम नाग बल्ली दरिद्रम मेलार जोड संयुक्त तांबूलम प्रदीग्रहे तांबूलम समर्पयामि भगवान के सामने तांबूल चढ़ा दीजिए मुखवास के लिए भगवान को चढ़ा दिया अब भगवान को थोड़ी दक्षिणा चढ़ाएंगे भगवान को दक्षिणा चढ़ा ओम हिरण्यगर्भः समवत्ताग्रे भूत जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी द्यामुते देवाय अभिघा विधेम भगवान को दक्षिणा चढ़ाए यानी पैसा चढ़ाना क्या चढ़ाना पैसा चढ़ाना बरोबर तो क्या पैसा चढ़ाया पैसा भगवान को हमने कितनी पूजा 1600 उपचार पूजा की 16 उपचार हमने किए 16 उपचार यानी कैसे 16 उपचार में समझा देता हूँ पहले भगवान आए तो उनके पैर धोए फिर भगवान के हमने हाथ बुलाए फिर भगवान को हमने पानी पिलाया फिर भगवान को हमने गंगा जल से सभी नदियों से स्नान कराया फिर भगवान को हमने पंचामृत से स्नान कराया फिर भगवान को हमने शुद्ध पानी से स्नान कराया और हल्दी चंदन के पानी से स्नान कराया फिर उसके बाद हमने फिर भगवान का अभिषेक किया भरपूर पानी से जैसे साबु करने के बाद हम कैसा भरपूर पानी से स्नान करते हैं ऐसे ही भगवान को हमने भरपूर पानी से स्नान कराया और भगवान का नाम स्मरण करते हुए हम भी अभिषेक किया बरोबर उसके बाद भगवान को पोछ के अपने स्थान के ऊपर बैठा दिया और भगवान को सबसे पहले टीका दिया वस्त्र पहनाए वस्त्र पहनाने के बाद भगवान को यज्ञ पवित्र पहनाई भगवान को अभी कंकु गुलाल हल्दी चंदन चावल फूल ये सभी भगवान को हमने चाहे भगवान को हमने अगरबत्ती दिखाई भगवान को हमने दिया दिखाया और भगवान को हमने खाना खिलाया भगवान को खाना खिलाने के बाद हमने क्या किया भगवान को हमने पान खिलाया और पान खिलाने में 16वां उपचार आता है भगवान को हम दक्षिणा देंगे तो भगवान को हमने दक्षिणा क्यों देते हैं कोई भी काम करो तो भगवान ने एक वक्त द्वारका में बैठे भगवान की अनेक पत्नियां थी भगवान की कितनी 16,000 पत्नियां थी 16,000 बरोबर है उसमें एक पत्नी थी बहुत सारी कहानियां इसमें एक कहानी ये भी है लोग अनेक अनेक प्रकार की कहानियां कहेंगे और इसका मतलब सारार्थ हमें समझना है कि दक्षिणा नाम की पत्नी थोड़ी देरी से आई और भगवान के ऊपर रूठ गई भगवान पे रूठ जाने के बाद तात्या करने लगी कि भगवान आपने मुझे मुझे याद नहीं किया कि
सभी को याद किया पद्मावती रुक्मणी सत्यभामा इन सबको याद किया मुझे नहीं किया आप मुझे प्रेम नहीं करते आप मुझे तो भगवान के सामने रुक गई तो भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं है सभी के साथ तू भी उतनी प्रिय है तो आप घर के अंदर काम कर रही थी और मेरे भजन की अच्छी तरह से सुन रही थी और ये मैंने ध्यान दिया तो कि हाँ सुन रही थी और आनंद से सुन रही थी इसीलिए जो लोग अपना काम अच्छी तरह करेंगे और मेरा नाम स्मरण करते हुए करेंगे सच्ची श्रद्धा पूर्वक करेंगे और मेरा नाम स्मरण करते हुए मेरी गीता में क्या सार दिया जो अपना कर्म बहुत अच्छी तरह से करेगा साथ साथ में करते हुए मेरा नाम भी देगा तो मैं उसका फल सबसे ज्यादा लूंगा गीता में कर्म का ही ज्ञान दिया है ना बरोबर ना हाँ तो भगवान को भगवान ने कहा आज से मैं तुझे वरदान दे रहा हूं कि तुझे सबसे ज्यादा जब तक तेरे नाम की दक्षिणा नहीं रखी जाएगी तब तक मैं पूजा स्वीकार नहीं करूंगा तो भगवान को हमने दक्षिणा चढ़ाई बरोबर दक्षिणा चढ़ाने के बाद यानी हम भी कोई काम करते हैं तो काम करने के बाद हमें लड़का बहुत बढ़िया उसके बाजू में बैठ जाइए और उसको पूजा का थोड़ा बरोबर समझा दी जाइए हाँ तो भगवान ने हम भी कोई काम करने जाते तो हमको भी दक्षिणा मिलती है बरोबर है ना हम धंधा करते हैं तो भी दक्षिणा मिलती है अगर हम कोई काम करेंगे कुछ चीजें बेचेंगे और हमको पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग हम नौकरी करने जाएंगे हमको पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम गालियां देंगे सर फोड़ डालेंगे सही बात है ना हाँ ये तो यही करेगा करना भी चाहिए क्योंकि इतना सारा किया है ले बरोबर है क्योंकि जरूर कभी कभी थोड़ा हंस लेगा क्या करने का पूजा करते करते थोड़ा आनंद भी ले लेगा क्योंकि भगवान ने क्या कहा है मैं खुशी में हूँ मैं आनंद में हूँ मैंने तुमको पूजा करते वक्त कोई सजा नहीं दी है क्या नहीं दिया है सजा नहीं दी है तो खुश खुशहाल होते हुए मेरी पूजा करो खुश रहते हुए और जो आदमी खुश रहते हुए काम करता है उसकी पूजा का फल ज्यादा मिलता है अपना काम भी घर में भी कोई काम करना है नौकरी में भी काम करना है बिजनेस में भी काम करना है खुश रहते हुए काम करो जो नौकरी भी खुशी रहते काम करेगा तो उसके नौकरी में उसका प्रमोशन जल्दी होगा अगर वो खुश रहते हुए नौकरी नहीं कर रहा है तो उसका प्रमोशन होने वाला नहीं जय सियावर राम जन्म भी है घंटी बजाओ समझ में आ रही है धंधा कर रहा है बोलता है मैं 8 बजे दुकान बंद कर दूंगा हो गया कबाड़ा वो कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है समझ में आई तो जो लोग अपने काम करते वक्त समय को नहीं देखते अपने काम को परफेक्ट करते हैं चाहे पढ़ाई करनी हो चाहे काम करना हो चाहे नौकरी करनी हो बहुत अच्छी तरह से करती है इसी तरह स्त्रियां अपने घर को बहुत अच्छी तरह संभालती है और खाना बनाते वक्त झाड़ू पोछा करते वक्त आनंद से काम करती है तो घर में लक्ष्मी जी आने वाली है सरस्वती आने वाली है और झाड़ू पछाड़ पछाड़ के अगर करेगी तो लक्ष्मी जी होगी वो भी भाग जाएगी बड़ा बाबा ये महाकाली आएंगी डंडा लेके सबको धो डालेंगी और सबका जीना आराम हो जाएगा समझ में आ रही है तो घर में कोई भी काम किसे करने का आनंद पूर्वक करने का खाना नहीं बनाने का तो आनंद पूर्वक बनाने का भजन गाते गाते गीत गाते गाते करने का पढ़ाई भी करने का तो मस्त मस्ती से करने का समझ में आ गई आयुष आज से पढ़ाई अच्छी तरह से करेगा कोई बोलेगा नहीं घर के कोई बोलेंगे नहीं तो भी तू पढ़ाई करेगा डन कमिटमेंट बस जो लोग कमिटमेंट करते हैं वही जीते हैं क्योंकि कमिटमेंट ही जरूरी है जो लोग अपने आप से वादा नहीं करते वो कभी नहीं जीत सकते समझ में आई इसको क्या बोलते हैं संकल्प क्या बोलते हैं संकल्प मैं ये करके रहूंगा मैं ये बन के रहूंगा मैं पढ़ाई के अव्वल दिखा के रहूंगा उसे बोलते हैं संकल्प और हर कार्य के लिए संकल्प करना पड़ता है
समझ गए, पढ़ाई के लिए नहीं, घर काम के लिए स्त्रियों को संकल्प करना पड़ेगा, बाहर पुरुषों को कर्म करना पड़ेगा, और अपने कर्म इतनी नीति से करो कि सामने वाला अपने कर्मों को देख के खुश हो जाए, वाह ये मजा आ गया। समझ गया नहीं? चलो, इतना सारा लेक्चर कर्म पे देना पड़ा, अब हम भगवान की आरती उतारेंगे। चलो दिया जलाओ और आरती उतारनी शुरू करो, खाली उठाओ। चलो सबसे पहले गणपति की आरती बोलेंगे, सुखकर्ता सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नहर्ता पूर्वे पूर्वे प्रेमपादराजे सर्वांग सुंदर सुंदराजे कंठ जलके महामस्ता पराजे जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हरि मंगल मूर्ति सरहद मात्रे Thank you.
जय जय श्री